हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल देखता। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। सो गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही बढ़िया वाला वीडियो, जो कि आप लोगों के लिए डेफिनेटली हर किसी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जी हाँ, मैं ले आई हूँ लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट जो कि मेरे फेवरेट है, मैं जिन्हें रेगुलर यूज़ करती हूँ। देखो क्या होता है ना कि कॉस्मेटिक की जब बात की जाए तो लड़कियां इसके लिए तो क्रेजी होती हैं, पर कई बार ऐसा हो जाता है या तो वो अफोर्ड नहीं कर पाती हैं या फिर ऐसा लगता है यार कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, या फिर कोई बिगनर है तो वो ये सोचता है कि अगर हम मेकअप करना स्टार्ट करें तो कौन से प्रोडक्ट ऐसे ले जो बजट में भी आ जाए। और हम क्या होता है ना कि जब नया हम प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं, पहली बार मेकअप करना स्टार्ट करते हैं, तो कोई भी चीज़ खरीदने में ना दिमाग में 25 तरीके के सवाल आते हैं। ये होता है कि कहीं ये प्रोडक्ट लूँ मुझे सूट करे या ना करे, ये ऐसा तो नहीं कि इतना ज़्यादा सस्ता है तो ये हमारे स्किन के लिए ख़राब हो, या फिर ये कि अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है, इसको मैं कैसे अफोर्ड करूँगी, ये मेरे बजट से बाहर जा रहा है। तो ये सारी चिंताओं से मैं आपको फ्री करने वाली हूँ। मैं लेकर आ रही हूँ यहाँ पर बहुत सारे स्किन केयर एंड मेकअप प्रोडक्ट जो कि अफोर्डेबल प्राइस में होने वाले हैं, जिनके प्राइजेस की बात करें तो सब 500 के अंडर होने वाले हैं। तो इसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं ना जो आप अपने वैनिटी में रेगुलर करने वाले हो। नहीं है, मैं भी बहुत सारे महंगे भी प्रोडक्ट यूज करती हूँ, बहुत सारे सस्ते भी प्रोडक्ट यूज करती हूँ। एज ए इन्फ्लुएंसर मुझे हर चीज ट्राई करनी होती है क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं भी खुद बाय करती हूँ, और मुझे ये भी पता होता है कि आपके साथ वीडियो शेयर करने के बाद, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के बाद, हो सकता है कि मैं इसे कभी यूज ना करूं, और कई बार ऐसा हुआ भी है। तो चलिए, यही सारी बातें होंगी आज इस वीडियो के थ्रू। तो ज्यादा चप्पड़ चप्पड़ नहीं करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हाँ, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं कितने सारे प्रोडक्ट यहाँ पर लेकर बैठी हूँ इस तरीके से इकट्ठा करके, जो कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है। वैसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट थे जो मुझे ऐसा लग रहा था यार ये भी शेयर करना था, पर कोई बात नहीं, इसका पार्ट 2 वर्जन आएगा। और पहले तो इतना ज्यादा वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए फटाफट ये सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और रही बात इनके सारे प्रोडक्ट की प्राइस की, तो जिनके प्राइस मुझे याद है एग्जैक्टली उनका तो मैं शेयर कर दूंगी, बट जिनके नहीं याद होंगे उनके प्राइसेस मेरे डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगा। सारे प्रोडक्ट के बारे में जो भी डिटेल्स होगी वो सारा डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगा, लिंक्स भी होंगे, आप डायरेक्ट वहां से जाकर। पहला जो प्रोडक्ट है, सनस्क्रीन से स्टार्ट करती हूँ, जस्ट बिकॉज कि अभी स्किन केयर मेरा सबसे पहले जो आता है ना वो है सनस्क्रीन। इस चीज को बिल्कुल भी अवॉइड मत कीजिए, सुबह शाम दोपहर रात मैं तो कहती हूँ हर टाइम सनस्क्रीन अप्लाई कीजिए, ऑल सीजन अप्लाई कीजिए। 12 मंथ जो होते हैं ईयर के ना, उन सब में भर भर के आप सनस्क्रीन यूज कीजिए। तो ये है जॉय का हेलो सनब्लॉक एंटी टैन सीरम, जो कि इसका रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ हॉल में, लेकिन मैं आपको बताऊँ पर्सनली मैं इसको यूज़ करती हूँ गाइज, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं आपको बता दूँ मुझे सन टैनिंग इतनी भयंकर वाली होती है ना कि मैं क्या बताऊँ। वैसे मोस्टली मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये वाला है हेलो जॉय का सनस्क्रीन, जो कि डेली ब्राइटनिंग बॉडी सीरम है एक तरीके का, और 35 SPF के साथ ही आपको रिसीव होता है। इसमें कुकुम्बर ऐड है जो कि आपकी स्किन को ब्राइट तो करता ही करता है, साथ ही साथ ये आपको एक कूल मेंथॉल देता है। काफ़ी कूलिंग इसका टेक्सचर है, बहुत अच्छे से ऑब्जॉर्व हो जाता है, बिल्कुल भी बोलते हैं वाइट कास्ट नहीं छोड़ता आपकी बॉडी पे। आप कहीं भी पूरी बॉडी पे कहीं भी अप्लाई कीजिए, एक होता है ना सनस्क्रीन कोई कोई होता है कितना ज़्यादा वाइट हो जाता है, उसको रगड़ते 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 बॉडी अजीब सी दिखती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये बॉडी लोशन की तरह है, जैसे बॉडी सीरम्स आते हैं उसी तरीके से है, ये बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये आपका फेवरेट होने वाला है, और ये मुझे रिसीव हुआ था, वैसे इस पे MRP आई थिंक सो लिखी हुई है, तो 349 में ये मुझे रिसीव हुआ था। और ये अच्छी खासी इतनी बड़ी बॉटल, इतनी क्वांटिटी इतनी बड़ी है ना बॉटल की, ये अच्छे खासे मतलब यूज़ हो जाता है, आप बोल सकते ना काफ़ी लंबा टलिया का फ्रेश एंड हेल्दी जेल बॉडी लोशन, और ये भी काफ़ी अच्छा है। और ये 24 हाइड्रेशन आपको प्रोवाइड करता है, और ये रोज़ वाटर के साथ मिलता है। वैसे इसका और कोई एक लेवेंडर फ्लेवर भी है शायद, मैंने ये दो ही यूज़ किया है, शायद और भी हो। तो ये इतनी छोटी सी बॉटल की 99 रुपीज़ में मिल जाती है, वैसे इसकी बड़ी बॉटल्स भी आती हैं आप ले सकते हैं। मैं इसलिए इसको दिखा रही हूँ क्योंकि ये मेरे अक्सर ये वॉलेट में होता है, जैसे मुझे अचानक से कहीं जाना पड़ा तो मैं इसे अपनी वैनिटी के लिए रखती हूँ, ताकि ट्रैवल फ्रेंडली है, 99 रुपीज़ में है तो मुझे बड़ी बॉटल ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वैसे बॉडी लोशन जब हम खरीदते हैं तो बड़ी। बात करते हैं स्क्रबिंग की, जो कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो यहाँ पर एवर यूथ का प्योर एंड लाइट स्किन का टैन रिमूवल स्क्रब चारकोल एंड जेल, ये अभी लॉन्च हुआ है नया नया, इसके पहले मैंने इसको कभी यूज़ नहीं किया, इसको अभी मैंने रिसेंटली बाय किया है। इसके पहले मैं एवर यूथ का जो ब्लू कलर का पैकेज आता था, या फिर उसके पहले एक आता था सिंपल सा पाउच, वो मैं यूज़ करती थी। स्टार्टिंग में मुझे याद है जब मैंने स्क्रबिंग करना स्टार्ट किया था, स्क्रब करना स्टार्ट किया था, तो मैं एवर यूथ का ही सबसे पहले स्क्रब यूज़ करती थी, तो मैंने वही स्क्रब यूज़ किया था। लेकिन मैं इसका जो टैन रिमूवल कॉफ़ी के साथ मिला है, ये चॉकलेट एंड चेरी,
कॉफ़ी भी इसमें ऐड है, तो ये पहली बार अभी लॉन्च हुआ है तो मैंने इसको ट्राई किया और डेफिनेटली मैं बताऊँ ना, इसके जो क्यूटिकल पार्ट जो इसमें ऐड हुए हैं वो मैं क्या बोलूँगा आपको, मतलब इतनी ज़्यादा स्मूथ और इतना रिफ्रेशिंग फील होता है ना जब आप अपने फेस को अच्छे से स्क्रब करते हो इस तरीके से, तो ये बहुत ही अच्छा मुझे लगा। और इसको भी आप ले सकते हो, और इतने बड़े सी अगर इतनी छोटी सी जो पैकेजिंग इसकी है अगर इसकी बात करें तो ये 249 में आपको रिसीव हो जाती है। ये यूज़ करती हूँ जो विद सनस्क्रीन होता है और जो कि लैक्मे एब्सोल्यूट का है परफेक्ट रेडियंस के साथ, ये वाला क्रीम जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर इसकी पैकेजिंग की बात करें तो ये 349 में आपको ही मेरे रिसीव हो जाता है, अच्छी खासी क्वांटिटी रहती है, 2 से 3 महीने आराम से। मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मिस रोज का प्रोफेशनल मेकअप फिक्सर। ये जो मेकअप फिक्सर जो मैंने लिया था, मैंने एक लोकल शॉप से लिया था एक्चुअली, वैसे भी ये ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा। बीच में आसवी की आवाज़ आ रही हो कि आप लोग उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। तो मुझे ऐसा लगा था कि हो सकता है कि मैं इसका कोई मुझे यूज़ नहीं है, हो सकता है कि ये ऐसे ही पड़ा रहे, मैंने ये क्या मुझे दे दिया। और क्योंकि उस वक्त मुझे नीड थी, क्योंकि मेरा मेकअप फिक्सर छूट गया था, मैं अपने मायके गई थी और मुझे एक वेडिंग अटेंड करनी थी, तो वहाँ की शॉप में यूज़ किया था। ये नेचुरल है, एलोवेरा विथ विटामिन ई इनका है कि बोलने का। और इसकी पैकेजिंग की बात करूँ तो मैं इसका जो प्राइस है वो मेंशन कर दूँगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा इन डिस्क्रिप्शन, क्योंकि मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा ये महंगा नहीं मिला था। मुझे लगता है ये 150-200 का ऐसा ही कुछ मिला था, इससे ज़्यादा नहीं महंगा मिला था। पर अगर इसकी बात करें तो ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं कर पाता है, आपके मेकअप को फिक्स नहीं करता है, मिक्सअप नहीं करता है, बट इसका जो बोल सकते हैं प्रेजेंट रिजल्ट जो होता है वो अच्छा होता है। अगर आप 2-3 घंटे के लिए या फिर कोई नाइट मेकअप कर रहे हैं तो उसके साथ ही अच्छे से चला जाता है, बजट फ्रेंडली है। और अगर आप बिगनर हो, नया मेकअप करना सीख रहे हो, तो उसके लिए बात बारी आती है टोनर की। तो टोनर में वैसे तो मुझे मॉम्स को के टोनर बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन अगर मुझे अगर दूसरे मतलब पहला और बोल सकते हैं ना आजू बाजू में अगर सारे टोनर के रहता है ना, तो वो ये रहता है गुड वाइब्स का ये टोनर, जो कि इसमें अलग अलग फ्लेवर्स आपको मिल जाते हैं। और ये सबसे अच्छी बात इसकी है कि ये आपको 195 में ही आपको इतनी बड़ी सी बॉटल रिसीव होती है। अगर आप डेली रेगुलर दोनों टाइम यूज़ कर रहे हो, मॉर्निंग में नाइट में, तो भी ये बॉटल जो है ना आराम से 4 से 5 महीने निकल जानी है, इतना ज़्यादा क्वान्टिटी होती है, पूरी बॉटल भरी आती है। और बॉटल दूर से देखने में छोटी लग रही होगी लेकिन अच्छी खासी मिल जाती है। अगर ML की बात करें तो नेट वैल्यू जो इसका है वो है 120 ML। तो ये मैं यहाँ पर यूज़ करती हूँ स्विस ब्यूटी का मेकअप प्राइमर, ऑयल फ्री लॉन्ग लास्टिंग बेस है इसका। और मैं आपको बताऊँ ना कि अगर कुछ बजट में अगर फेवरेट है ना, तो ये प्राइमर मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। शुरू से मैं सबसे पहले से मैं इसको यूज़ कर रही थी। स्विस ब्यूटी एक ब्रांड बन चुका है, पर मुझे याद है मेरी शादी के टाइम पर ना ये नया निकला था, मतलब कहीं कहीं स्विस ब्यूटी की चीज़ें प्रोडक्ट मिलते थे और मुझे ऐसा लगता है मार्केट में शॉप पे तो मिल भी जाता था, ऑनलाइन या फिर मैं सर्च नहीं करती थी या फिर ऑनलाइन मुझे इतना ज़्यादा दिखता भी नहीं था। तो ये उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं थे, अभी तो हर चीज़ स्विस ब्यूटी की है, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं थे, तो मैं बहुत डरती थी। उस टाइम में मैंने ये वाला एक प्राइमर लिया था और एक छोटू सा लिया था मैंने मैक का प्राइमर, जो कि मिला था मुझे 1400 का। तो वो तो ऐसा था ना कि अगर अच्छी क्वान्टिटी में मैं यूज़ करती तो वो 7 से 8 या 9 बार इतना ही यूज़ करती, इससे ज़्यादा मैं नहीं यूज़ करती 1400 रुपीज़। तो मैं उसको कभी उसके साथ मैंने एक ये वाला प्राइमर लिया था, जो कि तब से लेके आज मेरी शादी को 5 ईयर्स हो गए, और 5 ईयर में ना अभी तक ये मेरा फेवरेट होता है, मतलब कि ये खत्म होता है मैं फटाक से इसको मंगा लेती हूँ, ये इतना अच्छा है। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैक के रेफरेंस में अगर मैं बोलूँ ना कि मैक के बाजू में अगर ये रखने लायक है तो बिल्कुल रखने लायक है, तो हटा के इसको लेना ज़्यादा पसंद करूँ। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है स्विस ब्यूटी का ये हाइलाइटर, जो कि पाउडर हाइलाइटर है। और इसकी बात क्या बताऊँ ना अगर हाइलाइटर की, तो ये रिजल्ट आप लोगों को दिख रहा होगा, मैंने इस तरफ बिल्कुल भी अप्लाई नहीं किया है, ये रहा मेरा ये वाला चेक, और इधर देखिए ये हाइलाइटर मुझे बहुत पसंद है, पर्सनली बहुत पसंद है। मैं कोई भी हाइलाइटर अप्लाई करती हूँ ना, उसके ऊपर ये जरूर अप्लाई कर लूँगी, थोड़ा सा अप्लाई कर लूँगी अपनी संतुष्टि। ब्रश जो कि है पूना स्टोर का, और ये ब्रश मैंने अमेजोन से लिया था और ये मुझे मिला था शायद 250 के अराउंड मिला था, हाँ ये 250 का ही था, वैसे मैं एक बार चेक करके आप लोगों को बता दूंगी। और ये इतना स्मूथ है और इतनी अच्छे से, आपने मेरे जितने भी जो लोग रेगुलर मेरी वीडियोस देख रहे होंगे उनको देख रहे होंगे मैं इसको कैसे यूज़ करती हूँ, इतनी अच्छे से ये ब्लेंड कर देता है। और सबसे पहली बार कितनी अच्छे से, बहुत ज़्यादा ये लंबा चौड़ा नहीं है ना, तो इतना ज़्यादा कहते हैं ना कि इतना ज़्यादा हैंडी है कि अच्छे से ये अप्लाई करने में ना ईजी होता है, और साथ ही साथ ट्रैवल फ्रेंडली है, बिल्कुल हाइजीन को मेनटेन करके रखता है। आप देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग इतनी अच्छी है कि आप ब्रश को यूज़ कीजिए, देन आप इसको आराम से इसको पैक करके यहाँ पे इस तरीके से, जो कि एलेडीन का लास्टिंग ग्लो फाउंडेशन है। और इसकी आप पैकेजिंग पे मत जाइएगा, पैकेजिंग तो बहुत सिंपल सी है लैक्मे की बॉटल की तरह, बट अगर इसके
टेक्सचर की बात करूँ तो इतना ज़्यादा वेटलेस है, मतलब एक मॉस वाला जो नहीं होता फाउंडेशन बिल्कुल वैसा है और बिल्कुल भी फील नहीं होता, बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है। देन ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग वाकई है, काफ़ी अच्छा से टाइम तक टिकता है, ब्लैक नहीं होता, आपके फेस को ब्लैक नहीं करता है। तो ये एक बजट फ्रेंडली फाउंडेशन है। अगर आप बिगनर्स हो तो मैं आपको बोलूँगी डेफिनेटली आप इसको यूज़ कर सकते हो। और एलेटिन एक ऐसा ब्रांड है जो मैं अपने स्कूल टाइम से यूज़ कर रही हूँ। आता है मैंने यहाँ पर फाउंडेशन वाले शेड में लिया है। ये ऑल इन वन इसलिए है कि इसमें सारे शेड्स हैं। एज अ कंटूरिंग आप ले सकते हो, एज अ प्राइम सॉरी कंसीलर आप ले सकते हो, या फिर एज अ फाउंडेशन ले सकते हो। इसमें सारे शेड्स अलग अलग हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जिसकी नीड हो आपको, आप चाहो तो तीनों शेड्स लेकर अपना एक प्रॉपर जो बेस होता है उसमें यहाँ पे यूज कर शेयर कर देती हूँ स्विस ब्यूटी का ये, और जो कि आसवी ने उस दिन पटक के इसको अच्छी तरीके से तोड़ा है। तो यहाँ पर ये पैलेट जो कि इस तरीके की ब्रश के साथ आपको मिलते हैं, यहाँ पर सारे शेड आपको एक में मिल जाते हैं। और ये आपको मिल जाता है 350 रुपीज में स्विस ब्यूटी का आईब्रो किट पैलेट, और ये पैलेट बहुत ही ज्यादा अच्छा है। सारे शेड्स आपको मिल जाते हैं, तो बाहर जाने की आपको दूसरा अलग से कैरी करने की जरूरत, बहुत अच्छा है। इसके फाउंडेशन, कंसीलर, कॉम्पैक्ट, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा ही अच्छी हैं। और अगर बात करें तो मैं इसका जो लेंस है ये इस तरीके का है, ये आपको 245 रुपीज़ में आपको मिल जाता है। और मुझे लगता है कि अगर आप बिगनर हैं, आप लेंस लगाने की सोच रहे हैं, आप लेंस पे इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो आप इस ब्रांड के साथ आता तो एक तो ब्रांड का ब्रांड है, और साथ ही साथ क्योंकि लेंसेस अच्छे ही लेने चाहिए, आंखों का सवाल है भाई, तो ये एक ब्रांड है। और पैक के लेंसेज बजट फ्रेंडली है, जो कि आपको 250 रुपये में अच्छा है। वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी लिपस्टिक के शेड, जो कि ऐसी लिपस्टिक्स हैं जिनका जिनको आप बोल सकते हैं कि मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ, जो कि मुझे घर में भी लगाना पसंद है। फेवरेट होते हैं ना, कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो फेवरेट होते हैं, बजट में होते हैं, तो मैं उनको शेयर कर दूँ। स्विस ब्यूटी की ये जो लिपस्टिकियाँ हैं, ये दोनों अभी न्यूर मैट लिपस्टिक है, और ये मैंने यहाँ पर ये शेड रेड लिया है, वाइन रेड, और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इतना स्मूथ वन स्ट्रॉक में ये अप्लाई हो जाता है, दिन काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, बिल्कुल ट्रांसफ़र नहीं होता। और इसका रिव्यू ऑलरेडी मैं वीडियोज़ में दे चुकी हूँ, तो आप लोग वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और ये मुझे जो रिसीव हुई थी ये वाली लिपस्टिक, ये मुझे शायद रिसीव हुई थी, हाँ ये 350 की मुझे रिसीव हुई थी। और अगर शेड की बात करूं तो ये इसमें ये 14 पॉप रेड है, मैं आपको कलर दिखा देती हूँ। सो ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है और मैं इसको अप्लाई करती हूँ। देन जो है स्विस ब्यूटी का ये भी न्यू लॉन्च है, इसमें शेड की बात करें तो ये है वाइविड मैग्नेट, और ये हल्का सा बोल सकते हैं पिंक कलर है, और ये भी मुझे बहुत पसंद है। ये इतना ज़्यादा क्रीमी है, इतना लाइट वेटेड है ना कि क्या बताऊँ, बिल्कुल भी फील नहीं होता आपके लिप्स पे। और सबसे अच्छी बात क्या है ना कि ड्राई जो हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक आप लिपस्टिक यूज़ करते हो तो वो एक तरीके से ड्राइनेस आपके लिप्स पे ले आती है, ये दोनों लिपस्टिक बिल्कुल भी नहीं लाते हैं। और तीसरा जो है इसकी तो तारीफ में मैं क्या बोलूँ, जो लोग लैक में यूज़ करते होंगे उनको पता होगा, लैक्मे 9 to 5 की ये वाली लिपस्टिक जो कि इतनी ही ज़्यादा अच्छी है कि मैं क्या ही बोलूँ, ये पूरी मॉल ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, और इसके और भी शेड्स मेरे पास हैं। और इसकी 1, 2, 3 ऐसी लिपस्टिक जो होती है ना कि 2-3 इसके रहते ही हैं, ख़त्म होते ही मैं इसको मंगा लेती हूँ। आप देखिए मैं कितनी तेज़ी से आपको यूज़ करती हूँ, ये आपको दिखने को मिलेगा कि मैंने इसकी पैकेजिंग भी अभी तक ये लिपस्टिक मतलब ख़त्म होने को है, और मैंने इसको अभी तक अच्छे से ओपन भी नहीं किया था। अब आप समझ सकते हैं कि ये मुझे कितने लगे। एलएफ का ये पैलेट जो कि टूट गया है, आसवी ने पटक पटक के इसके दो खाने को तो आधा ख़त्म कर दिया है, पर ये मुझे पैलेट बहुत ज़्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि ये पहली बात तो ये ट्रैवल फ्रेंडली है, और इसमें मोस्टली जितने शेड होते हैं ना वो आपको हाईलाइटिंग, कंटूरिंग, या फिर आप बोल सकते हो आईब्रो के लिए, देन आई शेडो के लिए, तो डेफिनेटली ये सारे मतलब आप उसे मल्टीपर्पज के हिसाब से ये पैलेट है, तो आप बोल सकते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका, और ये भी आपको 350 का। लास्ट की ये 3 प्रोडक्ट जो कि एक एक मैंने करके शेयर कर दिया, कि जब सारी चीज़ें कर रही हूँ तो लिप लाइनर, आई लाइनर और काजल तो होना ही चाहिए। तो सबसे पहले जो है वो है ये स्विस ब्यूटी का ये बेल करके बोल मैट लिप लाइनर, जो कि मैं आपको बता दूँ ना कि इसके सारे बहुत सारे शेड्स हैं, और ये आपको 49 रुपीज़ मतलब 50 रुपये भी आपके नहीं लग रहे हैं। और अगर मैं बताऊँ ना कि इसको अगर आपको लगाना है ना तो आप पूरे लिप पे अप्लाई कर सकते हो, इतना क्रीमी टेक्सचर है इसका। वन स्टॉक में ये आराम से, ये देखिए इतने डार्कली आप देख सकते हैं, कितने ईजिली अप्लाई हो जाता है, कितना क्रीमी है, तो ये आप ले सकते हो। देन यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ जेड ब्लैक का स्विस ब्यूटी का ये लाइनर, जो कि 350 रुपये में आपको रिसीव होता है, और साथ ही साथ आप इसके ब्लैक का मैं कमाल अगर आपको दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके का है। मैंने किस तरीके से ये हाथों को अपने ख़राब करके दिखाया कि ये कितने स्मूथली हम वन स्ट्रॉक में ये अप्लाई हो जाता है, और काफ़ी जेड ब्लैक है,
मतलब बोल सकते हैं ना बोल्ड वाली, जिसको आई मेकअप करने की आदत है ना उसके पास, क्योंकि बहुत अच्छा है और ये काफी बजट फ्रेंडली है, क्योंकि ये आपको मिल जाता है 150 रुपए में। और अगर आप इस तरीके से अगर इसके एप्लीकेशन, मैंने कुछ ज्यादा ही तेज से दबा दिया सॉरी, ये देखिए इसके एप्लीकेशन की बात करूँ तो ये कुछ इस तरीके का है और काफी स्मूथ है और लॉन्ग स्टे है। मेरे सारे प्रोडक्ट जो क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए है, और इसमें प्राइस की बात करें तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि कितने लो प्राइस में कितने अच्छे थे, और मैं इसका पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे वीडियो बनाना था इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, डेफिनेटली ये सारे प्रोडक्ट के साथ रेगुलर रखती हूँ अपने पास, वही सारी चीजें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। यार शेयर ही तो करना है, लाइक ही तो करना है, बस फटाफट किया हो गया काम, तो बस इतना सा कर दीजिएगा, मेहरबानी होगी। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन हिट कीजिएगा ताकि वीडियो जल्दी से आप तक पहुंचे और आप जल्दी जल्दी देख सको। तब तक के लिए खुद से प्यार करिए, खुद का ख्याल रखिए, लव यू ऑल, बाय बाय।